झूठी अंका, किस लेवल तक जाओगी? अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी, किसी बुद्धिजीवी मतलब बुद्धिजीवी ने कहा था है? लेवल अपनी साली साहब को समझाया था कि अपने बराबर के लेवल वालों से बातें किया करो, लड़ा करा करो, कंपटीशन किया करो, फालतू में जो तुम्हारे बिलो द लेवल हैं उनसे तो बातवाई ना किया करो, है ना? तो झूठी अंका, ये ड्रामा तुम करके कहाँ साबित करना चाहती हो? व्यूज के लिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकती, व्यूज के लिए मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। मैं सैड हूँ तो लोग बोल रहे हैं तुम सैड क्यों हो, व्यूज के लिए ऐसा करती हो, व्यूज के लिए वैसा करती हो। मुझे तो व्यूज चाहिए नहीं, मैं अपने व्यूज से सेटिस्फाई हूँ। सही माँ, दिल पर हाथ रख के बोलो कि तुम सच में सेटिस्फाई हो। हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आज ना झूठी अंका से बात करनी बेहद ज़रूरी हो गई है। हालांकि बहुत चालबाज औरत हैं, व्यूज के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए रही हैं, लेकिन यहाँ पर आए के अरे एक्सेप्ट करने में क्या जाता है कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरे इतने 8 लाख, 9 लाख, 6 लाख जितने भी सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फिर भी व्यूज आ रहे हैं 5, 6, 10, 15 हज़ार, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, ये बोल सकती हो ना तुम? आपकी ड्रामेबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी एक्टिंग आप करती हैं व्यूज के लिए, और लगातार 2017 से लेकर अभी तक आपने व्यूज के लिए क्या क्या किया है क्या किसी को पता नहीं है? अपने घर के लोगों के, आपके सगे संबंधी, उनकी जिंदगानियों में भी आपने भूकंप ला दिया है। आप आके यहाँ पर नौटंकी ड्रामा कर रही हैं एकदम से। अगर आप ये बोल देंगे तो हम मान लेंगे। और हाँ दर्शकों, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, छोटा इन्फ्लुएंसर हो या बड़ा हो, मतलब हर इंसान एकजुट होके यहाँ पर व्यूज के लिए नहीं, अपनी आवाज़ उठा के गवर्नमेंट को रियलाइजेशन कराना चाह रहा है, जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ एक्शन हो। जो भी इस कृत्य के लिए जिम्मेदार है, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ कड़ा, मतलब ऐसा सॉलिड एक्शन लिया जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई मन में विचार भी लाए तो उसकी रूह कांप जाए। तो लोग जहाँ एक दंड दिलाने के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं, मैडम बोल रही कि ना मैं तो ऐसी हरकत व्यूज के लिए नहीं कर सकती। ड्रामेबाज बस भी कर हैं, इतने ड्रामे तूने करे हैं व्यूज के लिए ही, अपनी बहन और अपने भाइयों के साथ जो आपने इस तरह के नीचता वाले कार्य करे हैं, जिंदगानियों में आग लगा दी, छुटकरने की जिंदगानी कहानी सिर्फ और सिर्फ तुमने टाटा बाय बाय करी। वो तो है ही है पगलिया, बाकी चीज़ों में बहुत होशियार है, लेकिन अपनी चीज़ों को ही ना संभाल पाई। खैर, वो तो हम सभी जानते हैं। तो चलो आज ये झूठी अंका से थोड़े से कुछ सवाल पूछ लीजिए। क्यों झूठी अंका, सही सही जवाब दोगी? बोल रही थी कि रील पे मुझे लोग बोल रहे हैं तुम उदास क्यों हो, यहाँ पर बोल रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं, उससे कमेंट सेक्शन में तो तुम बहुत लिमिटेड कमेंट्स रख रही हो। लोग तो भर भर के तुम्हें प्यार दे रहे हैं, उसी का तुम यहाँ पर जिक्र कर रही हो, लेकिन जानबूझ के यहाँ पर तुम मेंशन नहीं कर रही हो। और रही बात कल किसने क्या क्या कहा आपके ब्लॉग में, तो आप एक्टिंग कर रही थी, और अगर सैड अगर हम मान भी लें कि किस वजह से थी आप ना, तो आपकी कोई जलनखोरी का रीज़न रहा होगा जो कि आपके कमेंट सेक्शन में भी दिख रहा है। जो लोग लिख रहे हैं कि हाँ यार ऐसा ही होता है, जब अपने घर में जाओ तो खुद ही के घर में मेहमान बन जाओ। कुछ ऐसा जड़ीला बोला होगा आपने, क्योंकि कल वाला तो मैंने देखा नहीं। हाँ, लोगों ने इसे ज़रूर पूछा था कि हाँ मतलब हर टाइम तुम्हें मुंह लटकाए काहे रहती हो कद्दू जैसा, और उस पर 4 रिप्लाइज भी हो गए। अब जानते हो कौन से आएंगे, ओनली ड्रामा। बहुत सही, नहीं यार बहुत टेंशन हो रही रियल लाइफ में भी, किसी किसी को बस वो दिखाती नहीं है। एक इंसान है, इसके पास भी टाइम है नहीं है इनके लिए, हमेशा अकेलापन खा जाता है इंसान को, शिकायत भी करे तो किससे करे। क्या बात करें, इनका खुद का फैसला है मिस्टर इंडिया को छुपाने का, या फिर मिस्टर इंडिया नहीं आना चाहते। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर वो वीडियो में नहीं दिखा रही तो उसकी ज़िंदगी में भी नहीं है। भाई ये जो भी दिखाती हैं, 28 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, चलो मान लेते हैं मैक्सिमम 35 मिनट भी कई बार दिखा देती हैं, तो उसमें जानबूझ के बुद्धिजीवी को नहीं लाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है, बुद्धिजीवी ही सारी स्क्रिप्ट देता है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि इंसान के दुख नहीं होगा, ये बहुत सुखी ही होंगे, इनके कोई वाकई में रियल वाला दुख नहीं होगा, होगा, लेकिन जो वीडियो में होते हैं वो सिर्फ नौटंकी ड्रामे के लिए होते हैं। और इन दिनों अगर इनका जो हर वीडियो में, लगभग 3 से 4 वीडियो में इनका जो मुंह कद्दू और लौकी जैसा लटका है, तो उसकी वजह
इस वाले कांड को लेकर थी तो पहले से इतने दिन से लोग लगातार बार बार बोल रहे हैं, उसके लिए ना आक्रोश की ज़रूरत है आपको, ना यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बोलनी चाहिए जिनको नहीं पता उनको अवेयर करना चाहिए, सबको एकजुट करने के लिए बोलना चाहिए जो कि बाकी लोग कर रहे हैं। आप यहाँ कद्दू जैसा मुंह लटका कि आप लड़ रही हैं या फिर का करना चाह रही हैं, सैड है। अच्छा जी, सैड है तो देखिए ये सब नौटंकी ड्रामा ना किसी और को समझाइएगा, ट्रू वाले हैं समझने के लिए, पर सच्चाइयाँ आपकी हर लोग जानते हैं। जो आपको लग रहा है कि नहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर आप सैड हैं, नहीं जी, आपकी ज़िंदगानी में कोई गेट आप बसा रही होंगी लेकिन वो गेट सही जगह बैठी नहीं होगी, उस वजह से आपने ये नौटंकी ड्रामे करने शुरू करे हैं। और अगर आप उन सब चीज़ों को बोल रही हैं कि भाई नहीं नहीं आप ऐसे व्यूज़ नहीं चाहती हैं, आप इतने सारे व्यूज़ से सेटिस्फाई हैं, तो ये जो आप बार बार ये थंबनेल और टाइटल बदलती हैं किस लिए बदलती हैं? सेटिस्फाई जो होता है ना तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करता है। और सच्ची बात यह है अगर कोई यहाँ पर यूट्यूबर है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं समाज में जिसके लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि आप अगर नहीं बोल रहे हो तो भैया कीड़े मकोड़े हो भाई साहब, मतलब तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा कि दुनिया समाज में क्या चल रहा है। और यार इन्फ्लुएंसर तुम तो इतनी बड़ी आपको सेलिब्रिटी समझती हो, उसका मतलब क्या होता है कि खुद का किसी घटना से रिलेटेड अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप शेयर ना करो तो बेकार हो। हाँ ये हो सकता है कि कुछ लोग एग्री हो सकते कुछ लोग डिसएग्री, लेकिन आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई तुम अपना सो कॉल्ड सेलिब्रिटी ना बनो या इन्फ्लुएंसर ना बनो। और अगर नहीं बोलना चाहते हो, चुप्पी साधे रहना चाहती हो, तो भाई इसको का ही कहेंगे। फिर बाद में अगर लोग आपके ऊपर सवाल उठाते हैं तो आप नई नई चीज़ें लेके आ जाती हो, कहानियाँ बनाने लगते हो कि आप इस तरह की व्यूज नहीं चाहती हो, मतलब फिर बाकी जो बड़े या छोटे या फिर जितने भी लोग एकजुट होके उसके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, निर्भया के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पूरे देश नहीं इंटरनेशनल तरीके पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग हर जगह से एकजुटता दिखा रहे हैं, क्योंकि वाकई में कानून में तेज़ी आनी चाहिए, क्विक डिसीजन होने चाहिए। CBI जैसे जल्द से जल्द फैसला सुना देगी पता चल जाएगा। आज मैंने वो जो मेन है संजय, वही है ना जो मेन इस केस का अभी तक इसी नाम को बार बार आगे लाया जा रहा है, तो उनकी माँ का एक इंटरव्यू देखा। उनकी माँ बोल रही थी कि भाई मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता और मुझे सुन के बहुत बुरा लग रहा है, मेरे बेटे के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। बस आंटी जी से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उस माँ को कैसा फील हो रहा होगा जिस माँ की बेटी गई है, उनके रिलेटिव उनके भाई उनके वो, क्योंकि जब आम जनता उस चीज़ को फील कर पा रही कनेक्ट कर पा रही है माँ अपने अंधे पुत्र मुँह में, अगर आपका बेटा की जगह वो बेटी आपकी होती तो आप इसी प्रकार के यहाँ पर अपने जो इंटरव्यू में जवाब दे रही होती अंधे प्रकार से? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आप में से किसी ने वो इंटरव्यू देखा हो सकता ना देखा हो, पर भाई साहब वो इंटरव्यू में महिला जो है माताश्री बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ ऐसी माएँ भी रही हैं हमेशा इस संसार में जहाँ पर उनको लगता है कि अगर उनका बेटा गलत करा तो खुद सपोर्ट कर देती हैं पुलिस के, लेकिन वो लगातार बार बार अपना दिखा रही हैं कि नहीं मुझे तो बैड फील हो रहा है क्योंकि मेरे बेटे के ऊपर इतने जघन्य अपराध लगाए जा रहे हैं, लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मुझे बहुत बैड फील हो रहा है, मुझे बुरा फील हो रहा है, परिवार में ये चले गए वो चले गए, क्या मैं इसी दिन यही सब सुनने के लिए मैं बची थी? तो ये सारा सवाल माता जी आपको अपने बच्चे से पूछना चाहिए था जिसने ये कृत्य किया है, और आज नहीं तो कल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो भी गई हैं, वो ब्लूटूथ मिलना कनेक्ट होना बहुत सारी चीज़ें जो इस केस को फॉलो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और CBI अब जहाँ ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि इस केस में और कई ऐसे चेहरे मिले हैं जिनका ना इस केस में पूरा पूरा योगदान है, पूरा पूरा उनका भी जुर्म है, तो भाई उनको भी सज़ा मिलनी अनिवार्य है। और ये अब एक इंसान का नाम नहीं है, इसके आगे पीछे और कई नाम जुड़ चुके हैं। क्लैरिटी जैसे मिलती है उनको सबको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, वो सज़ा के हकदार हैं। तो अगर आपने भी इनका इंटरव्यू देखा है तो ज़रूर बताइएगा। माँ के रूप अनेक होते हैं, अपने बच्चे से वो प्यार बेइंतहा करती है, पर माँ दूसरे बच्चे का दर्द समझे तभी समझ में आता है।
यहाँ पर वो पूरे तरीके से बस यही बोल रहे हैं कि नहीं जी, गलत गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और गलत लगाए जा रहे हैं या गलत नहीं लगाए जा रहे हैं, आज नहीं तो कल क्लियरिटी पूरी हो जाएगी ना। अभी तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रही, कभी इस चैनल से, कभी उस चैनल में, कभी किसी पुलिस के बयान से, कभी किसी और इंटरव्यू से। लड़की के माँ का भी इंटरव्यू चल रहा है, बाप का भी चल रहा है, वो सुनिएगा माता जी। तो शायद शायद आपको समझ में आ जाए। तो शायद हमारी दीदी ने ये सारी चीज़ें नहीं सुनी हैं, नहीं देखी हैं। देखी होती तो इस प्रकार की बातें ना कर रही होती कि कितने लोग यहाँ पर अपराधी को सजा दिलाने के लिए, और उस जो अब है भी नहीं, उसके साथ इतना कृत्य हुआ हुआ, उसको मार भी दिया, जिंदा तक नहीं है, और उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो भाई व्यूज़ के लिए। वैसे दीदी, कोलकाता कोलकाता बार बार लिखने का तात्पर्य क्या था, ये बताएंगी ज़रा आप? क्योंकि कोलकाता सबसे ज़्यादा सर्च में वर्ड आ रहा है गूगल पे। तो ये ना गेम किसी और से खेलिएगा जो आपकी तरह, मतलब आपकी बातों में आ जाए, मूर्ख हो, जैसे कि आपके टरू वाले होते हैं। भक्ति में शक्ति वही दिखा सकते हैं, बाकी लोग नहीं। बाकी लोगों को ना थोड़ा सा नॉलेज है दुनिया समाज जहान का। तो ये जो नौटंकी ड्रामा आप ये कहीं और जाके करिएगा, यहाँ तो नहीं ना चल पाएगा। इस प्रकार से जी ने ये टाइटल डाला है, इस प्रकार से जो बातें करी हैं, तो भाई ये तो सब लोग जान रहे हैं कि जो तुम लगातार बार बार खत करते कर रही हो, इन सब चीज़ों के पीछे का है। कौन कौन बताएगा कि ये पर्व कब आएगा, वो पर्व कब आएगा, दिवाली में कौन जाएगा? दीदी राखी में नहीं गई ना, छोटकन्नी जज्जा के, अरे छोटकन्नी दीदी के मतलब भाई को भेजे, मतलब आपके पति मिस्टर इंडिया, अब रांची से दौड़ के चले आए थे, लेकिन भाई साहब पटना से नहीं गए। अब घूमन घुमाई ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा एक चीज़ और, हमारी दीदी बहुत सच की पुजारन है, तो मैं उससे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो बोल रही थी कि जो है एकदम से ये घूमने का प्लान कोलकाता क्यों बना? अभी भी ये मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ऐसी वजह रहेगी, वैसे ये घूमना जाना था। जो उन्होंने रीज़न बताया था कि मेरी मम्मियाँ गई थी इसलिए मैं इनके साथ चली गई, एक बार मम्मियों के साथ गई थी, ऐसे बन गया। आप सबको लगता है कि ये ऐसे गई थी कोलकाता? बोलिए, आप बोलिए, सोच के बोलिए, समझ के बोलिए, जैसे बोलना वैसे। जब तक नोना जिज्जा का कोई काम ना हो किसी भी जगह पे, वो घूमने के लिए तो कभी भी नहीं जाएंगे। हाँ एक पंथ दो काज हो जाएंगे, हमारी जिज्जी का ट्रेवलिंग भी हो जाएगा। अभी जहाँ पे कुछ दिन पहले घूम के आई, वो ऐसी कोई जगह पे घूमने भी नहीं जाती हैं जहाँ पे लगे कि नहीं भाई इनका स्पेशल ओकेज़न ये था, इस वजह से गई थी। तो सिर्फ होटल होटल होटल, फिर जो जीजा जी का गुप्त काम होता वो कर लेते हैं, और ये होटल होटल में बस मनगढ़ंत कहानियाँ रचा करती हैं, कभी किसी टॉपिक के ऊपर, किसी रिलेटिव के ऊपर, कभी किसी को टॉन्ट मार के, तो कभी कुछ अपना लेके बैठ जाती हैं त्रिया चरित्रम, जो एक करती रहती हैं समय समय पर। कभी एज को लेकर कोई षड्यंत्र कर देंगी, और कभी किसी चीज़ को लेकर इनके जो मनोभाव हैं, समय समय पर दो तीन टॉपिक हैं वो कार्ड खेलना शुरू कर देंगी। तो ये जी आप किसी को ना, मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल बोलना ही नहीं चाह रही थी, 3 दिन से इनको देख रही थी, एक दिन इससे पहले भी बोला था जब ये गोल मोल बातें कर रही थी केस के ऊपर, अरे मुंह से सही शब्द नहीं निकाले जा रहे थे, एकदम सब्जेक्ट नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा हिचकिचा रही थी। उस दिन मैंने बोला था, और आज इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मैडम का फिर से टाइटल कुछ वही आ गया, उसी के रिगार्डिंग, व्यूज़ के रिगार्डिंग। तो मैंने कहा वैसे तो इनको पूरा मुझे देखना नहीं है, पर थोड़ा सा देख लेती हूँ, देखती हूँ आज ये क्या रायता फैलाई है। और रायता लास्ट में ही था, उससे पहले बीच में इन्होंने थोड़ा मोड़ा बोला। तो इनको लगता है कि ये दूसरों को बेवकूफ़ बना लेंगी कुछ भी कहानियाँ डाल के। ये व्यूज़ के लिए सारी चीज़ें नहीं कर रही, ये जो आपने टाइटल डाला ये व्यूज़ के लिए नहीं डाला, आप सोच के बताइएगा। नहीं, थोड़ा सोच लीजिएगा, साफ साफ पता चल रहा हो, जो आपका कल वाला है उसमें लोग लगातार बार बार बोल रहे हैं कि भाई पति कहाँ है। कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि आ ये कोलकाता अकेले गई थी, कोई मुझे बताए। लगातार बार बार लोग जब पूछ रहे हैं तो इसका मतलब समझ रही हो ना आप? नहीं समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रही तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी इतनी ना समझ तो आप नहीं हो। और ये सब जो नौटंकी ड्रामा आप व्यूज़ के लिए कर रही हो, करती रहो, ये सच है। तुमको चढ़न मस्ती है तो मचे, और तुम सेटिस्फाई कितनी हो भाई, डिस्परेट हुई जा रही हो, एकदम पगलाइन जा रही हो, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अभी तुम चाह रही हो, बताओ दर्शकों किसको, जिसके अब लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और इनके व्यूज़ इनके लगातार कितने दिनों से मैं देख रही हूँ, 15 12,
17, 14, 14, 10, 14, 12, 11, और ये सेटिस्फाइड हैं। कितने कितने ऐसे शब्द मैं बोल लूँ और कैसे बोल लूँ, मतलब कभी कभी ऐसे एकदम सॉलिड शब्द निकलने वाले होते हैं जुबान से कि भाई लगता है कि बोल दूँ, लेकिन फिर ना कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें साथ नहीं देती हैं। वो कहा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं करी ना वो गाली गलौज वालों के साथ, अरे वही जो फरिश्ते लोग हैं वो होते तो बढ़िया इनके लिए उचित सिलेक्शन कर पाते। फिलहाल दीदी पंचौरा किसी और से करना, नौटंकी ड्रामा भी किसी और से बताना। हम सब जानते हैं ये जो आप साम दाम दंड वेद अपनाए रही हो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता अपने घर में खाना बनाना, अपने घर के काम करना, मुझे 9 से 6 जॉब नहीं करनी, मुझे अच्छी फीलिंग आती है अपनों को देखना, अपनी फैमिली को देखना। वैसे फैमिली में कौन आता है, नौना जीजा और आप? इसको ना मियाँ बीबी सिर्फ दो ही लोगों फैमिली नहीं कहते। फैमिली में एक आंटी जी को लेके आई थी सासू अम्मा को, कुछ ही दिन रही है, फिर उसके बाद 2 महीना बाद आप भेज दी दोबारा लेके नहीं आई। वैसे सासू अम्मा का जिक्र हुआ है तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अब चलो थोड़ा पंचौरा हो ही जाए। लगभग 1 या 2 महीने से आप इस बारे में जिक्र नहीं कर रही, जब से उनको पटना छोड़ के आई हैं, क्या हुआ? मतलब ना कभी फोन फान पे बातें, आजकल सासू अम्मा की हेल्प वेल्प नहीं कर रही हो का? क्योंकि पहले तो अगर तुम कुछ भी करती थी तो बताती थी, इन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, इन्होंने उतने पैसे भेजे हैं, आज मम्मी जी से बात हुई मम्मी जी ने ये कहा। आजकल सासू अम्मा और ससुराल से रिलेटेड कुछ भी बढ़कर नीच जी बात नहीं कर रही हैं। बताइए, नहीं आंसर होगा आपके पास पता है। चलिए जी टाटा बाय बाय, बताइएगा।